गुड इवनिंग स्टूडेंट, आपका मोस्ट वेलकम करते हैं हमारे इस चैनल पर। तो आज की वीडियो में आपको तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी सेशन बैच 2025 पार्ट वन एग्जाम के लिए बीएससी पार्ट वन जूलॉजी सब्सिडी का सजेशन लेके आए हैं। क्योंकि आपका ऑनर्स का एग्जाम हो चुका है और सब्सिडी का एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है, तो आपका सब्सिडी का एग्ज़ाम भी जल्द लिया जाएगा। जैसे ही ऑनर्स का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है, पूर्ण रूप से 31 जुलाई को ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद आपका एक सप्ताह या दो सप्ताह के बाद अगस्त का आपका सब्सिडी रूटीन को जारी कर दिया जाएगा और एग्ज़ाम को लिया जाएगा। तो इससे पहले आप ये जूलॉजी सब्सिडी का जो मैं आपको सजेशन दे रहे हैं पार्ट वन का, अगर आप इतना क्वेश्चन कर लेते हैं तो इससे आपको सजेशन से 80% क्वेश्चन देखने के लिए एग्ज़ाम में मिलेगा। तो आशा करते हैं आप सारा क्वेश्चन तैयार करके ही जाएंगे। जो भी छात्र छात्राओं अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं, सब्सिडी का तैयारी नहीं कर पाए हैं, ये ज़रूर तैयार करके जाएंगे। आपको 80% क्वेश्चन ज़रूर देखने के लिए मिलेगा हमारे सजेशन से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं चैनल को लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको तिलका मांझी का ऑल अप टू डेट और हमारे इस चैनल पर जो भी नोट्स सजेशन से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड हो आपके यूट्यूब नोटिफिकेशन के थ्रू पहुँच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि आपका जो पार्ट वन जूलॉजी सब्सिडी का एग्ज़ाम होता है वो कितना मार्क का होता है। तो टोटल आपका 75 मार्क का होता है थ्योरी और 25 मार्क का यानी कि आपका प्रैक्टिकल होता है जो कि कॉलेज में लिया जाता है। तो टोटल मिला के 100 नंबर का होता है और उसमें आपको टोटल जो पास मार्क के लिए ज़रूरत रहता है 33 मार्क का, ठीक है। तो आप अगर आपको 33 मार्क आता है तो आप पास कहलाएंगे। थ्योरी में आपको 23 नंबर आना चाहिए और प्रैक्टिकल मिला के 33 नंबर। आशा करते आप समझ गए होंगे। तो चलिए कौन कौन सा क्वेश्चन तैयार करके जाना है मैं आपको बताने वाले हैं। आपको जूलॉजी सब्सिडी पार्ट वन में ग्रुप ए और ग्रुप बी तक क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और फर्स्ट में MCQ क्वेश्चन रहता है। तो चलिए सबसे पहले जो आपको तैयार करना होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले आपको जो तैयार करना पड़ेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि 15 नंबर का आता है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो MCQ 1x15 यानी कि 15 नंबर को आपका पूछा जाता है। चलिए अब ग्रुप ए से जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन तैयार करके जाना है, डिस्क्राइब द करेक्टर फाइलम सेलेंटेट्रा क्लास इट अप टू क्लासेस गिविंग डिसगस्टिंग क्रेटर करेक्टर एंड एग्जाम्पल, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको ये तैयार करना है। इसके बाद दो नंबर क्वेश्चन, डिस्क्राइब द करेक्टर ऑफ फाइलम सिनिडेरिया क्लास टू अप द क्लास गिविंग डिस्टिंगुइशिंग फीचर एंड सुइटेबल एग्जाम्पल। तीन नंबर आपको तैयार करना है, डिस्क्राइब द जनरल करेक्टर ऑफ फाइलम एनिलिडा क्लासिफाई देम अप टू क्लासेस विथ सुइटेबल एग्जाम्पल। चार नंबर आपको तैयार करना है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर लाइफ साइकिल एंड पैथोजेनेटिक ऑफ लीशमैनिया डोनावनी, ठीक है। इसके बाद पाँच नंबर तैयार करना है, डिस्क्राइब द वाटर वैस्कुलर सिस्टम ऑफ एस्टेरिस विथ डायग्राम एंड नॉट ए इट्स सिग्निफिकेंस, ठीक है। इसके बाद छः नंबर आपको तैयार करना है, राइट द सिस्टमेटिक पोजिशन ऑफ बेलेनो ग्लेशियस एंड डिस्क्राइब द इट्स एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। कोई भी क्वेश्चन को आप इग्नोर नहीं करेंगे, आप जरूर क्वेश्चन तैयार करके जाएंगे, आपको 80% जरूर देखने के लिए मिलेगा हमारे सजेशन से। चलिए इसके बाद अगला जो आपको तैयार करना है, छः के बाद सात नंबर, तो नंबरिंग मिस्टेक हो गया है तो आप नंबरिंग थोड़ा इम्प्रूवमेंट कर लीजिएगा, इसके लिए सॉरी, ठीक है। इसके बाद सात नंबर, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल ऑफ एंटामीबा हिस्टोलाइटिका एंड नॉट इट्स पैथोजेनेटिक, ठीक है। इसके बाद आपको आठ नंबर तैयार करना है, गिव एन अकाउंट ऑफ द रिस्पेक्टिव ऑर्गन्स एंड मैकेनिज्म ऑफ रिस्पिरेशन इन प्रॉन, ठीक है। इसके बाद आपको आठ नंबर तैयार करना है, सात नंबर के बाद आपको जो तैयार करना है आठ नंबर में, हाँ, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल हिस्ट्री ऑफ टीनिया सोलियम, ठीक है। इसके बाद आपको जो तैयार करना है आठ नंबर में,
डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल ऑफ टेनिया सोलियम। ठीक है, तो टोटल आपको 8-9 क्वेश्चन इसमें तैयार करना है। कुछ इसमें नंबरिंग मिस्टेक हो गया तो वह आप नंबर सुधार लेंगे। ठीक है, तो चलिए आपको टोटल ग्रुप ए में इतना क्वेश्चन ही तैयार करके जाना है। 9 क्वेश्चन तैयार करके जाएंगे, इसमें आपको ग्रुप ए से 2 क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। तो 2 क्वेश्चन आपको इसी सजेशन से देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए ग्रुप बी के और आपको कितना तैयार क्वेश्चन तैयार करके जाना है, तो चलिए ग्रुप बी के और हाँ तो चलिए ग्रुप बी में जो आपको तैयार करना है, ग्रुप बी से फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस डार्विंग थ्योरी ऑफ नेचुरल सेलेक्शन। ठीक है, डिस्कस क्या डार्विंग्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सेलेक्शन। इसके बाद 2 नंबर राइट एन इसे ऑन ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ मैन। 3 नंबर गिव एन अकाउंट ऑफ लेक कल्चर इन इंडिया। 4 नंबर नेम द पेस्ट ऑफ विट डिस्क्राइब द मोड ऑफ पैथोजेनेटिक एंड कंट्रोल। 5 नंबर डिस्क्राइब डिफरेंट सोर्सेज ऑफ हेरिडिटरी वेरिएशन एंड देयर रोल इन एवोल्यूशन। 6 नंबर राइट एन एसे ऑन एपिकल्चर एंड इट्स इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। 7 नंबर आपको तैयार करना है नेम द इम्पोर्टेंट पेस्ट ऑफ पेडी डिस्कस द लाइफ साइकिल एंड इट्स हार्मफुल इफेक्ट हाउ कैन इट बी कंट्रोल्ड। ठीक है, इसके बाद आपको 8 नंबर तैयार करना है गिव एन अकाउंट ऑफ सिलेमेट कोलिशन एंड करेक्टर स्टेसिस ऑफ पेलोजोइक। ठीक है, इसके बाद 9 नंबर तैयार करना है गिव एन अकाउंट ऑफ सेरिकल्चर इन इंडिया। ठीक है, 9 नंबर गिव एन अकाउंट ऑफ सेरिकल्चर इन इंडिया। तो टोटल आपको ग्रुप बी में भी आपको 9 क्वेश्चन तैयार करके जाना है जूलॉजी ऑनर सब्सिडरी में, तो इससे भी आपको 2 क्वेश्चन देखने के लिए एग्जाम में मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको ग्रुप ए में भी 9 क्वेश्चन तैयार करके जाना है जूलॉजी सब्सिडरी। ठीक है, इसके बाद आपको ग्रुप बी से भी आपको 9 क्वेश्चन तैयार करके जाना है, जिससे आपको 2 बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो टोटल होता है 75 मार्क का, इसमें आपको 15 नंबर ऑब्जेक्टिव रहता है। आपको ग्रुप ए से 2 क्वेश्चन बनाना है, यानी कि 2 क्वेश्चन हो गया 15 नंबर का रहता है, तो 15 × 2 = 30 नंबर ग्रुप ए से, और ग्रुप बी से भी 15 × 2 = 30 क्वेश्चन बनाना है, तो 30 + 30 = 60 हो गया। और 15 नंबर होता है ऑब्जेक्टिव, जो कि आपको बनाना अनिवार्य है। ठीक है, टोटल 75 नंबर आपको इसी से बनाना पड़ेगा, और 25 नंबर आपका प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, टोटल 100 नंबर, पासिंग मार्क्स में 33 रहता है। ठीक है, तो आशा करते हैं इतना आप समझ गए होंगे और इतना क्वेश्चन जरूर तैयार करके जाएंगे, और जो भी आपका भाई बहन है इसको भी ये क्वेश्चन तैयार करवाएं जो अभी तक तैयारी नहीं कर पाए हैं, और ये वीडियो सारे स्टूडेंटों में शेयर कर दें जो इस बार पार्ट 1 से एग्जाम देने वाले हैं जूलॉजी सब्सिडरी, इसका है जो उनका भी हेल्प हो जाए। तो चलिए आज की क्लासेस आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे, फिर चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, एक अगले वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर।